Hey guys, this is Dynamo. So, बहुत दिनों से मैं सर्च कर रहा था. आई wanted टू बिल्ड अ प्रॉपर डेस्क पी सी, एक टेबल पी सी मुझे बनाना था. एंड इट वॉज अ ड्रीम कि मैं एक अच्छा खासा डेस्क पी सी ओन करूँ. यू नो, मैं बहुत टाइम से सर्च कर रहा था. सो अभी कुछ दिन पहले मैं जस्ट आई वॉज स्क्रोलिंग इमेजेस में कि लाइक कौन सा अच्छा खासा डेस्क पी सी एंड कैसे कैसे आप उसको बिल्ड कर सकते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स वगैरह लगते हैं. सो यू नो, आई कॉल्ड अप शिवम अभिषेक एंड उनको मैंने बताया मेरे आइडियाज़ कि मुझे कैसा डेस्क पी सी चाहिए एंड मैं मेरे क्या कंपोनेंट्स हैं, मेरा क्या लुकआउट है कि कैसा पी सी होना चाहिए. सो उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, थोड़ा देखते हैं, बिकॉज यू नो इट्स लाइक अनयूजुअल. आप इतना नॉर्मल देखते हैं कि डेस्क पी सी वगैरह, यहाँ पे नॉर्मली आप लाइक कैबिनेट, यू नो कैबिनेट थोड़ा बहुत कंप्यूटर पे फिट कर दिया एंड देन आपका स्टार्ट हो गया. सो मेरे आइडियाज़ बहुत ज़्यादा अलग थे. सो या एंड आफ्टर लाइक आई गेस 1 week उन्होंने मुझे कन्फर्मेशन दे दिया इस चीज़ का कि लाइक दे कॉन्टेक्टेड NVIDIA, ZOTAC एंड दे सेड कि लाइक समथिंग बिग गोना कम अप वेरी सून. सो देखते हैं, आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट कैसे कन्वर्ट होता है. हाई गाइज, आई एम प्रमोद. And I am Sameer. And we are Have Operation. Established in 2013, हम लोगों ने एक छोटे से रूम से कस्टम पीसीज बेचना स्टार्ट किया. And today we are known as best modders in India. Yes. बहुत ही exciting news है guys. Last week we got a call from ZOTAC and NVIDIA. उन लोगों को Dynamo के लिए एक डेस्क मॉड बनाना है. And they have reached out to us for that. So let's go. So guys, it's here. Finally, the mod is ready. तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1.5 month ये मॉड के ऊपर काम किया है. सो लेट्स डिलीवर इट टू डायनामो. How are you feeling? You haven't seen the complete PC yet. Yeah. But so what's your feeling? I'm feeling a little excited because it's going to be my first table PC. I dream of to build a good table PC, but kabhi hua nahi mere se wo cheez. So yeah, dekhte hain kaisa hota hai and kya cheeze usme dekhne milegi hame. Exciting cheeze. Oh shit, man! This is so f-ing crazy. अभी ना मेरे को समझाओ कि कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे क्या क्या है. प्रमोद बताइए. तो ये पीसी में हम लोगों ने इंटेल का 10th gen i9-10900 प्रोसेसर हम लोगों ने यूज़ किया है. फिर एसरॉक का Z490 ताइची मदरबोर्ड यूज़ किया है. फिर ZOTAC का 2000 सीरीज का RTX 2080 Ti आर्टिक स्टॉम, वो ग्राफिक्स कार्ड यूज़ किया है क्योंकि इसमें GPU ब्लॉक है तो कस्टम LCS किया हुआ है ये. फिर उसके बाद हम लोगों ने थर्मलटेक का पावर सप्लाई यूज़ किया है 850+. फिर हम लोगों ने T4s के 64GB रैम यूज़ किया है. 3200 MHz पे वो स्टेबल रैम अभी चल रहे हैं. फिर बाकी ये जो सारे फ़ैन है वो कॉडरिंग थर्मलटेक के 12 फ़ैन हम लोगों ने यूज़ किए है. फिर 2 फ़ैन हम लोगों ने नॉन RGB फ़ैन यूज़ किए फॉर इनटेक, क्योंकि ये सारे एग्जॉस्ट हो रहे हैं. तो 2 140mm के फ़ैन इनटेक हो रहे हैं और बाकी सारे एग्जॉस्ट हो रहे हैं. फिर इसके अंदर हम लोगों ने थर्मलटेक का कोर P5 चासी भी यूज़ किया है. डेस्क मॉड है लेकिन हम लोगों ने क्या सोचा कि अगर नीचे प्लाई भी अगर डाल दिए ना तो केबल स्लीव्स के लिए, केबल मैनेजमेंट के लिए डिफिकल्ट जाएगा. तो हम लोगों ने इसके अंदर भी कैबिनेट ही यूज़ किया है. अच्छा. तो ऐसा नहीं कोई किसी ने बोलना चाहिए यार कैबिनेट डेस्क में सीधा इसने कैबिनेट यूज़ किया, लेकिन क्यों यूज़ किया वो इंपॉर्टेंट पार्ट है. क्योंकि अगर तुम लोगों ने देखा तो कोई केबल तो विजिबल नहीं है, मिनिमलिस्टिक. फिर हम लोगों ने ट्विक पीसी के केबल स्लीव्स यूज़ किए. पूरा थर्मल टेक का हम लोगों ने LCS
लिक्विड कूलिंग कंपोनेंट यूज़ किए है, हम लोगों ने सारे लुक सिमेट्रिक किए, मतलब यहाँ 90 डिग्री है तो वहाँ पे भी 90 डिग्री है, तो दो 480 mm के रेडिएटर हम लोगों ने यूज़ किए, तो दिस इज़ द यू नो वन ऑफ द काइंड। और ये पीसी मेरे हिसाब से अगले एक साल तक तो भी कोई नहीं बना सकता बेस्ट तो। और फिर हम लोगों ने एज टू एज ग्लास हम लोगों ने इसके ऊपर रखा है जिससे सब कुछ विजिबल हो। फिर केबल मैनेजमेंट के लिए ये कंप्लीट एक सेक्शन रखा है जिसके कारण जो भी मॉनिटर के केबल है, तीन मॉनिटर का सेटअप तो कर सकता है इसके ऊपर जो भी केबल से इसके अंदर है। तो डायनामो पीसी कैसा लगा? यार पीसी बहुत ज़्यादा इफेक्ट एंड बहुत ज़्यादा डिस्को वाइब वाला डिस्को क्योंकि मैं ऑलरेडी पता इस चीज़ के लाइक पहले से वो ड्रीम करता था एक डेक्स पीसी वगैरह, बट ऑफकोर्स इतना नॉलेज नहीं था उस टाइम पे भी एंड यू नो यू गाइस केम अप एंड थोड़ा बहुत कोलैब करके अच्छा खासा एक बहुत बेहतरीन चीज़ सामने आ गई है। सो इट्स अ बीस्ट प्लस अ डिस्को वाइब, थोड़ा सा बस लाइक चिल करो, गेम खेलो बहुत ज़्यादा एंड जब सोना है तो लगा दो, बस लाइट लगा दो, ऐसी बहुत सारी बैकग्राउंड में गाने प्ले कर दो एंड जस्ट चिलिंग करो थोड़ा, और कुछ नहीं, बाकी तो बहुत ऑसम है। ब्रदर दिस इज माय पर्सनल क्लब, डिस्को क्लब, सो ये क्या गेमिंग खेलने के बाद मैं यहीं पे डांस करने वाला हूँ अभी चिलिंग के लिए थोड़ा सा अच्छा सा। ऑसम So guys, this is my beast gaming PC. Come here. I'll just show you. आप देखो ये कितना कितना awesome है, कितना सही है, right? So a huge shout out to Havoc Nation जिन्होंने ये dream complete करके दिखाया. Big shout out to Nvidia, Zotac and do check out havocnation.in अगर आपको ऐसा या इससे भी खतरनाक awesome PC build करना है. So big shout out to all of these guys.